हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एंटोनिम्स पार्ट थ्री, डे थ्री में। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एंटोनिम्स, और इससे पहले मैं टू पार्ट डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आई बटन आ रहा होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप उन मीनिंग को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथ्स और मैथ्स के जो काफ़ी सीरीज, काफ़ी चैप्टर जो है बिल्कुल बेस से डिस्कस किए गए हैं, वो भी आप सीख सकते हैं आसानी से। तो चलिए, आज का हमारा पहला मीनिंग है एडवांटेज। एडवांटेज भैया, ये सारी मीनिंग आपकी रेगुलर जुड़ी हुई है, 12th तक आपने पढ़ा होगा। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। मैं ये लेक्चर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में, सुबह सुबह इस समय सर्दियों में आप बस आप देखते रहिए और चीजें आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए, लाभ। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, ADVANTAGE। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, और डिसएडवांटेज मीन्स होता है हानि। जस्ट अपोजिट होता है भाई, एंटोनिम्स का मतलब ही जस्ट अपोजिट। एडवांटेज मीन्स लाभ और डिसएडवांटेज मीन्स हानि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्री। एग्री मीन्स होता है सहमत, सहमति दिखाना। हमने क्या किया? एग्री हो टूर पर चलने के लिए, एग्री हो तो आप कहेंगे यस। हमने कहा डिसएग्री हो मतलब असहमति है, मेरा सहमति नहीं है, असहमति है, असहमति है, असहमति होना, ठीक है। और एग्री मीन्स सहमति होना, मतलब हाँ में जवाब होना, और डिसएग्री मीन्स ना में जवाब होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंजल। एंजल मीन्स होता है देवदूत। क्या होता है? देवदूत। और देवदूत होता है, इसको लोग परी भी कहते हैं, लड़कियां काफी इस पे लगाती हैं, एंजल सुषमा, एंजल कीर्ति, एंजल सुमिता, एंजल शिल्पी, ऐसे करके वर्ड लोग लगाते हैं गर्ल्स। तो एंजल मतलब परी या सुंदरी, ऐसे वर्ड लगाते हैं। तो डेविल इसका जस्ट अपोजिट है। डेविल मीन्स होता है राक्षस, राक्षस। ये मतलब राक्षस या दैत्य टाइप, मतलब इस टाइप से ऐसे वर्ड, ठीक है। राक्षस मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ये देवदूत है यहाँ पर एंजल का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है अब्सेंस। अब्सेंस मीन्स होता है, अब्सेंस मीन्स होता है फ्रेंड्स अनुपस्थित, अनुपस्थित। और प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थित, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थित। जैसे प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित होना, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना। और अब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित होना। यहाँ पर उनका नाउन बना दिया, चेंज कर लिया गया है, अब्सेंस कर दिया मैं अनुपस्थिति, और प्रेजेंस मीन उपस्थिति। हमने कहा उपस्थिति दिखाओ क्लास में कितनी है भाई, टीचर से प्रिंसिपल ने कहा, प्रिंसिपल ने टीचर से कहा कि प्रेजेंस दिखाओ, उपस्थिति दिखाओ कितनी है क्लास में, तो ये उपस्थिति। और प्रेजेंट लगाना, ये उपस्थिति होना, मतलब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉटम और टॉप। इनमें तो हमें कुछ बताना नहीं है। बॉटम मतलब पेंदी होता है, नीचे का जो होता है, और टॉप मतलब जो ऊपर होता है, चोटी होता है, पीक टॉप जिसे हम लोग कहते हैं, टॉप एंड बॉटम कहते हैं, बॉटम एंड टॉप। स्पेलिंग दे दो ना, BOTTOM है, ठीक है, टॉप, ठीक है गाइस, थैंक यू।